हेलो फ्रेंड्स, आई एम कमल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके साथ एक बहुत ही कुरकुरे स्वादिष्ट पकौड़ों की रेसिपी, मूंग दाल के पकौड़े। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इन्हें बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कप मूंग की दाल, जिसे एक बड़े बाउल में हम निकाल लेंगे। सबसे पहले इसे पानी डाल के अच्छी तरह से मसल कर धो लें। इस तरह दाल को 4 से 5 बार हमें धो लेना है। इसके बाद इसमें डालें फिर से एक बार पानी। अब हमको दाल भिगो के रखनी है करीब 1 घंटे के लिए। यहाँ पर मेरे पास है हरे प्याज, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। हरे प्याज डालने से मूंग के दाल के पकौड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालें। अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप सफ़ेद प्याज डाल दें। मैंने बारीक बारीक काट लिया है। दाल हमारी अच्छी तरह से सोख हो चुकी है। सबसे पहले एक छलनी में डाल के इसका अच्छी तरह से पानी निकाल दें। अब इसे एक मिक्सचर जार में ट्रांसफ़र करें। दाल को अब हमें दरदरा सा पीसना है। साथ में मैं डालूंगी एक हरी मिर्च, आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। साथ में कुछ टुकड़े अदरक के, और साथ में डाले हैं मैंने 10 से 12 कलियां लहसुन किया। अब इन्हें अच्छी तरह से दरदरा सा हम पीस लेंगे, कुछ इस तरह। बहुत ज़्यादा बारीक हमें बिल्कुल भी नहीं पीसना है, क्योंकि ज़्यादा बारीक पीसने से पकौड़े हमारे कुरकुरे बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो इस तरह का दरदरा पीसना है हमें। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, सब एक एक चम्मच या अपने अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, काला नमक, सफ़ेद नमक। अब मैंने डाली है थोड़ी सी हींग। अब मैंने डाला है चाट मसाला। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें सौंफ, थोड़ी सी मोटी कुटी हुई, मैं पहले डालना भूल गई थी तो अब मैंने अब डाली है। फिर से एक बार अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिला लेंगे। अब इसमें डालें बारीक कटा हरा प्याज, साथ में मैं डालूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। पकौड़ों का बैटर हमारा बन के बिल्कुल अब तैयार है। यहाँ पर मैंने पकौड़ों को तलने के लिए तेल गरम कर लिया है और हीट को मीडियम पर कर दिया है। अब उसमें इस तरह बैटर को पकौड़ों की शेप में आप डाल दें। अगर आप हाथ से डालने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो चम्मच का यूज़ करें। अब इसे हमें मीडियम हीट पे इस तरह हिलाते हुए, उलटते पलटते हुए पकौड़ों को ब्राउन होने तक तल लेना है। आँच को यहाँ पर बिल्कुल भी तेज़ ना करें, क्योंकि तेज़ हो जाने से बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह उलटते पलटते हुए हमें पकौड़ों को अच्छी तरह से तल लेना है। ये देखिए, पकौड़े हमारे अब बहुत अच्छी तरह से तल हो चुके हैं। इन्हें अब हम निकाल के रख लेंगे। ये मैंने फर्स्ट बैच फ्राई किया है। अब सेकंड बैच के लिए फिर से उसी तरह हम पकौड़े छोटे छोटे इस तरह तेल में डाल देंगे, और सेम प्रोसेस से हम उलटते पलटते हुए इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। सेकेंड बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब इन्हें हम सर्विंग डिश में निकाल देंगे और ऊपर से छिड़केंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालें। साथ में मैं सर्व करूँगी इसके साथ ग्रीन चटनी,
ग्रीन चटनी मूंग के दाल के पकौड़ों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आप सॉस भी साथ में सर्व कर सकते हैं और साथ में गरम गरम चाय। वाह, इससे अच्छी बात इस ठंड में तो कोई हो ही नहीं सकती। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करना। मेरा रेसिपी वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।